हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर आरिफ मलिक एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत इस्तकबाल करता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए हेल्थ इश्यू से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं जिन्हें आप देखते हैं, सुनते हैं और फायदा उठाते हैं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि गुदा मार्ग में जो दर्द होता है उसके क्या कारण होते हैं या फिर किन बीमारियों में गुदा द्वार में दर्द होता है। दोस्तों, गुदा मार्ग एक बेहद ही संवेदनशील अंग होता है और वहाँ पर अधिकतर जो बीमारियाँ होती हैं वो बहुत ही कष्टकारी या फिर पीड़ादायक होती है। पीड़ा ज़्यादातर मल त्याग करने के बाद शुरू होती है और फिर घंटों तक बनी रहती है। कभी कभी यह पीड़ा पूरे दिन भी रह सकती है। दोस्तों, गुदा द्वार में दर्द पैदा करने वाली या फिर दर्द उत्पन्न करने वाली कुछ बीमारियाँ प्रमुख हैं, जैसे कि एनल फिसर, इसे हिंदी में गुदचीर और आयुर्वेद में परिकर्तिका भी बोलते हैं। दोस्तों, गुदा द्वार में जख्म होने की वजह से इस बीमारी की उत्पत्ति होती है और यह बीमारी कब्ज की वजह से या फिर कठोर मल की वजह से होती है। दोस्तों, इस बीमारी में मल त्याग करने के बाद दर्द शुरू होता है, जो शुरुआत में बहुत ही तेज होता है और यह महसूस होता है कि जैसे किसी ने कैंची से काट दिया हो। यह दर्द दोपहर तक धीरे धीरे करके कम होता है। किसी किसी मरीज में यह दर्द पूरे दिन भी रह सकता है। इसके अलावा दोस्तों, मल त्याग करते समय खून का आना, खुजली होना, जलन होना, दर्द होना, ये तो प्रॉब्लम होती ही होती हैं, लेकिन अगर फिशर ज़्यादा पुराना हो जाता है तो वहाँ पर सेंटिनल टैग भी डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पाइल्स यानी कि बवासीर के मस्से, ये अपने स्टार्टिंग स्टेज में कोई भी दर्द नहीं करते हैं, सिर्फ वहाँ से खून आता है, लेकिन जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जाती है, इसका ग्रेड बढ़ता जाता है, तो ये गुदा से बाहर आने शुरू हो जाते हैं या फिर कोई अन्य जटिलता होने पर वहाँ पर दर्द होने लगता है। तीसरा है दोस्तों, फिस्टुला, इसको आम भाषा में भगंदर के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी में दर्द होना ही इस बीमारी का संकेत है। गुदा के आसपास अचानक ही दर्द और सूजन शुरू हो जाती है। दर्द बहुत तेज होता है, इसके बाद वहाँ पर एक गांठ उभर जाती है, जो कुछ समय के बाद उस गांठ से मवाद निकलने लगती है। इसके बाद दर्द अचानक से कम हो जाता है, लेकिन जो वो गांठ है वो अंदर ही अंदर अपनी सुरंग बना लेती है, तो इसको फिस्टुला कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, गुदा के मुंह पर गांठ हो जाना या वहाँ पर एब्सेस हो जाना, जिसको हम गांठ नॉर्मल भाषा में बोलते हैं बाल तोड़, वो भी गुदा में काफ़ी तेज दर्द करता है और उस दर्द की वजह से उठना बैठना भी परेशान हो जाता है। दोस्तों, गुदा मार्ग पर दर्द होना बीमारी का संकेत है। समय रहते ही अगर उपचार करा लिया जाए तो भविष्य में होने वाली परेशानी से बच सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपकी गुदा में भी कोई दिक्कत परेशानी है, आपको पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है या फिर एब्सेस है, इसके साथ साथ आपको कॉन्स्टिपेशन है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग भी कोई भी परेशानी है, तो आप हमें नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या आप हमें हमारे क्लिनिक पर आकर भी दिखा सकते हैं। थैंक यू।